अच्छी बात नहीं है, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं ना। बट मॉम डैड कुछ सुनते कहाँ हैं, वो सिर्फ कहते रहते हैं। वैसे भी मैं कहाँ हमेशा के लिए जा रही हूँ, थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी जिद थी इसीलिए अलाउ किया मैंने, खुद की जिद थी इसलिए तुमने लिटरेचर में एमए किया। क्या स्कोप है उसका आजकल? जब देखो मार्क ट्वेन, गालिब, न जाने ये अमीर खुशो लेके बैठ जाती हो। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ कॉमन सेंस काम आता है, तुम्हारी फिलॉसफी सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगी। पर डैड आप ही तो मेरे साथ घंटों बैठकर इन लोगों की बातें डिस्कस करते रहते थे ना, अब सडनली एक एनआरआई का रिश्ता है तो आप मेरा ही मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे लिए इस वक्त यही सही है। दीदी को भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, उस वक्त भी आपका यही डायलॉग था। अब बेचारी 2 साल से अपने बच्चे के साथ हस्बैंड से सेपरेट यहां रह रही है। डैड मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे लिए क्या सही नहीं है, और मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। नेहा, 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 आइए आइए मैम, प्लीज आइए आइए। मैम असल में ये मेरे क्लाइंट का घर है मैम, आउट ऑफ इंडिया गए हैं 2 महीने के लिए। जब भी जाते हैं रेंट पे दे देते हैं मैम, वैसे शादीशुदा लोगों को देते हैं, पर आप टेंशन मत लेना, मैं संभालूंगा जी। थैंक यू सो मच विजय। मैम एक और बात जी, रेंट थोड़ा ज़्यादा है मैम, पर डिपॉजिट नहीं है तो आपको चल जाएगा मैम। इट्स फाइन जी। एंड विजय जी आपका कमीशन? नहीं नहीं मैम, बस आप अभी रहने दें, जब हम लोग 11 महीने के लिए फ्लैट लेंगे उस समय एडजस्ट कर लेंगे मैम। जी थैंक यू, चलता हूँ मैम जी। अच्छा ये साइड में रख देता हूँ। मैम सॉरी, चाबी मैम जी, कुछ भी जरूरत हो मुझे याद कर लीजिए। थैंक यू जी, चलता हूँ। दिनों के लिए गई थी ना, तो मौसी के साथ रहती। दीदी कितनी लड़कियां अकेली रहती हैं, सब मौसा मौसी के यहाँ रहती हैं क्या? तुझसे बहस में जीता है कोई आज तक? अच्छा सुन, डैडी हैं आसपास, रुक बात कराती हूँ। पापा नेहा को आपसे सुन, डैडी जरा बाहर गए, तेरी बाद में बात कराती हूँ। सीधा बोलो ना, उन्हें बात नहीं करनी है। अगर अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी कोई अच्छा घर। विजय जी अगर उस वक्त तक कुछ हो गया तो ठीक है, वरना आई विल बी बैक टू माय होम टाउन। मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी बोलिए। आप यहाँ पे करती क्या मैम, माने जॉब या कुछ बिजनेस? विजय जी अब कुछ करने के लिए किसी स्किल में मास्टर होना तो ज़रूरी है, और मैं तो किसी स्किल में मास्टर हूँ नहीं, इसलिए अभी तो कुछ नहीं करती जी।
मैम यहाँ मुंबई में सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, बिना कुछ किए यहाँ पे समय काटना वैसे कठिन होता है। मैम एक आइडिया है। जी? अपना एक्टर बन जाओ। एक्टर? जी। मैम आप कहाँ विजय जी, आप भी कुछ भी। मैम इतनी सुंदर हैं आप, फटाफट आपको काम मिल जाएगा। वेल थैंक यू, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना, और मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता, तो एक्टर एंड मी। मैम वही तो, कितने एक्टरों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैंने घर दिलवाया है, वो आज ड्यूप्लेक्स फ्लैट लेके बैठे हैं थोड़े ही सालों में। लेकिन मैं कहाँ एक्टिंग विजय जी, आई मीन मैम मेरा एक क्लाइंट है, फोटोग्राफर है, एक फोटोशूट करके देखे मैम? आई डोंट नो मैम, एक फोटोशूट करते हैं फिर देखिए आप, ठीक है? फटाफट काम मिल जाएगा मैम। मैडम आजकल तो आप ही के चर्चे फेसबुक पर छाई हुई हैं आप। दीदी मैं फेसबुक पे एक से एक शायरी डालती थी, कभी तीन तो कभी बस चार, और कल देखो एक पोर्टफोलियो की पिक्चर डाली और 200 लाइक्स, आई मीन। बेटा आजकल लोग अकल के नहीं शकल के दीवाने। सही में दीदी। सुन सुन, डैडी ने भी देखी थी तेरी फोटोज, उनके फ्रेंड्स उनसे पूछ रहे थे नेहा को कोई हीरोइन का ऑफर मिल गया है क्या। डैडी हंस हंस के सबको बता रहे थे। दीदी डैडी खुश है ना? हाँ हाँ बहुत खुश है जी। मैम सब्जी लाया था आपके लिए ये। एक मिनट। हाँ दीदी एक मिनट होल्ड करना, कोई आए हैं। जी बोलिए। असल में अंधेरी स्टेशन गया था, आपके लिए सब्जी लाया मैम। जितने में यहाँ पाव किलो मिलती है इतने में वहाँ एक किलो मिल जाती है, सोचा आपके लिए भी ले लूँ। आइए अंदर आइए आइए। आपको फोन कर रहा था, आपका फोन बिजी आ रहा था। हाँ वो एक्चुअली दीदी से बात कर रही थी ना, इसलिए आइए। ये सब्जी। एक सेकंड। हाँ दीदी। हाँ सॉरी वो कोई आ गया था। अच्छा सुन, डैडी का मूड अच्छा है, उनसे बात कराती हूँ, और ठीक से बात करना। डैडी को बोलना कि मैं ना उन्हें शाम को कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बाय। विजय जी। जी। थैंक यू। तो विजय जी अब क्या? हाँ वही बात करने आया था मैम, वो मेरी एक दोस्त है मनोरमा, इस इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े लोगों को जानती है जी, उससे मिल लेते हैं कल। देख लीजिए आप जैसा आपको ठीक लगे। जी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। हेलो मनोरमा। हाँ विजय। पता है बोलना। हाँ एक मैम है, एक्ट्रेस है, वो एक्टिंग चांस के लिए मिलवाना था। कल मिल 2 बजे CCD पे। अच्छा कल 2 बजे। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, उतरा हुआ टायर है? नहीं कल 2 बजे। नहीं नहीं एक मिनट, पिछली बार भी तूने 2-3 टैक्सियों को भेजा था। मेरी सामने बैठी हैं, बहुत अच्छी हैं। कल 2 बजे मिल ले। हाँ 2 बजे मिल। तू मेरे सामने इतना शर्माएगा तो कल शूट पे क्या करेगा? अंडरवेयर का ऐड है, शॉर्टलिस्ट तो मुझे ही करना है। मैम वॉचमैन ने अंडरवेयर नहीं पहना। अभी आती हूँ। ठीक है ना जी।
ये मनोरमा है, नेहा जी। सही है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन मटेरियल। अच्छा सुन, तुझे एक नंबर देती हूँ। हाँ। यही माड़ा में है राज कोऑर्डिनेटर, उसे आज जाके मिल ले, वो किसी एड का ऑडिशन कर रहा है आज। और नेहा, नेहा हाँ, ना नेहा जी, आज रात को पार्टी है, उसमें आ जाओ, वहाँ तुम्हारा अच्छा पीआर हो जाएगा। नेहा जी चले। एसएमएस कर देना। आइए इस तरफ। नहीं नहीं सर जी, कल हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। अरे कल करा देंगे पक्का रजिस्ट्रेशन। नहीं नहीं, फ्लैट कहीं नहीं जाएगा, अपना ही है जी। हाँ जी सर, अरे हाँ पक्का करा देंगे, पक्का मैं हूं ना। ठीक है सर, कल मिलते हैं। हाँ मैम, कैसे रहा ऑडिशन? कमाल हो गया विजय जी, उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, ना कुछ ऑडिशन ना कुछ। एंड बोले कि परसों से शूटिंग स्टार्ट है, 20,000 बजट पर डे। Isn't it unbelievable? नेहा जी, ये तो अभी शुरुआत है, आप हमें भूल मत जाना। जब स्टार बनेंगी, ड्राइवर मुझे ही रखिएगा। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? But I'm so happy. Thanks a lot, विजय जी। इतने बिजी शहर में कहाँ कोई किसी की मदद करता है, और आपने तो मेरी इतनी हेल्प की है, थैंक यू सो मच। बर्बादियों से घर को संवारे हुए हैं हम, औरों से नहीं, खुद से ही हारे हुए हैं हम। आगे क्या था? यूं ही नहीं होती अंधेरों से रोशनी, खुद को जला जला के सितारे हुए हैं हम। I'll speak to you later. ये असीम अब्बास जी की शायरी है। ओह, रियली? मुझे लगा कि संदेश ने लिखा था। आई डिडंट गेट योर नेम। नेहा, नेहा सिंह। हाय। हाय सर। क्या करती हैं आप? ओह, हाउ सिली ऑफ मी, यू हैव टू बी एन एक्ट्रेस राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन यू आर द सेम गाय हु वाज देयर इन दैट म्यूजिक वीडियो, जादूगर सिंह राइट? वेल That was 10 years back. आपको अभी भी याद है? अरे you don't know. Me and my friend, we were huge fan of yours. Actually उस टाइम मैं स्कूल में थी,
बट फिर भी वी वर ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ योर्स. That was quite some time back. अरे नेहा, तू यहाँ है? तुझे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ. आशु जी बुला रहे हैं. मनोरमा, राजदीप जी. You remember that जादूगर से या म्यूजिक वीडियो? या लो. चलो, जल्दी जल्दी. अरे आप बुड्ढे में कितनी लड़कियाँ चिपकी हुई थी? अरे तुम जानती नहीं हो, बड़ा ही दिल फेंक बुड्ढा है. कुछ करता वरता है नहीं, बस लड़कियों को देखकर खुश होता रहता है. कुछ करेगा तो मर नहीं जाएगा. और वो जो संदेश बटला है ना, बटला है बटला, उसने भी उस बुड्ढे से 13 लाख रुपए ले रखे हैं, ऐसी लड़कियां दिखा दिखा कर. तो मैं और राज कोऑर्डिनेटर उससे पैसे निकालेंगे, डीडी के लिए एक पायलट बनाएंगे और जमा करेंगे. अच्छा, डीडी चलता है अभी? तू जरा अपने काम पे ध्यान दे दे. एक क्लाइंट भेज रही हूँ तेरे लिए कल, उसको ऑफिस चाहिए रेंट पर, दिखा दियो. और परसों तुम्हारे एड का शूट है ना, सौंदी का या फेस वॉश, इंदौर का बड़ा ब्रांड है. इसकी स्किन इतनी अच्छी और मेरी त्वचा इतनी डर्टी, पता नहीं कौन सा वॉश फेस यूज करती है. कट इट नेहा, इट्स नॉट त्वचा, इट्स त्वचा. त्वचा त्वचा बोलिए, जो लिखा है वो बोलिए प्लीज. ओके सर. एक्शन. इसकी इतनी अच्छी त्वचा और मेरी इतनी ऑयली त्वचा, पता नहीं कौन सा फेस वॉश यूज करती है. ओके, एक बार और करते हैं. इसकी त्वचा इतनी अच्छी और मेरी त्वचा इतनी ऑयली, पता नहीं कौन सा फेस वॉश यूज करती है. कट इट. सुनो, मुझे पीछे पासिंग कर रही है ना लड़की, उसको ट्राई करो. और ये पासिंग कौन देगा? अरे नेहा को पासिंग कराएंगे ना, इसकी वजह से इतना लेट हुआ है. एक्शन. इसकी त्वचा इतनी अच्छी और मेरी त्वचा इतनी ऑयली क्यों? क्राउड में पास है. आप टेंशन मत लीजिए, सबके साथ होता है फर्स्ट टाइम. आप मनोरमा से मिल लीजिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी. मेन मॉडल के लिए या तो ये हीरोइन को लेते हैं या किसी मिस इंडिया वगैरह को लेते हैं. तो तू एक काम कर, तू सीरियल्स में ट्राई कर. पर यार सीरियल्स में बहुत लंबे डायलॉग्स नहीं होते? एपिसोडिक सीरियल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ उन्हें नए नए लोग चाहिए होते हैं, नए नए चेहरे चाहिए होते हैं, और वहाँ वो किसी से भी काम चला लेते हैं और कैसे भी काम चला लेते हैं. क्या है, रेगुलर काम हो जाएगा, रेगुलर पैसे आते रहेंगे और एक्टिंग भी पॉलिश हो जाएगी. है ना विजय? हाँ बिल्कुल, वो क्लाइंट से मिल ले. हाँ मिल लेते हैं, चल. जी आपको भी ड्रॉप कर देते हैं. नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी. पक्का? हाँ हाँ, I'm fine. चल चल जल्दी चल. चल बाय. चल बाय. बाय. तुझे बड़ी जल्दी है. चल अभी मिल लेते ना. बाय. निकल जाएगा वरना. हे हाय. ओ नेहा, हाय. हाउ आर यू? गुड, प्लीज सिट. या सो व्हाट्स अप? आई एम गुड, ऑल वेल. यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स के साथ आई. हाँ, एंड हाउ इज योर शूट? डोंट आस्क मी दैट, इट वाज रियली बैड. आई मीन कैमरा ऑन होते एक भी वर्ड नहीं बोल पाते. इट्स ओके. जब मैं रहा था ना, मेरे साथ भी ऐसे होता था, कुछ नहीं बोल पाता था. एवरीथिंग इज गोना फॉल इनटू प्लेस विद टाइम. होप सो. गिव मी योर नंबर. हेलो सर, बुला रहे हैं अंदर. Yes, come in. Hello, sir. Yeah. Ha, Ashish, can you come in, please? Yeah. Yes, sir. Ha, वो नासिक वाली स्टोरी है ना, जिसमें सास और पति मिलके बेटी अब बहू. जी सर. बहू को चला देते हैं. हाँ जी सर. विल कीप फॉर दैट. सर ग्लैमरस कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? जरा आप बाल पीछे कीजिए प्लीज. देखो
जी सर। डार्क मेकअप कर दो, पुरानी साड़ी पहना दो, चिल भी ओके। ओके सर। परसों शूट है, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे यार? यू राइट सर। सर ऑडिशन ले ले? नो नो नॉट रिक्वायर्ड। आइए प्लीज कम। थैंक यू सर। हेलो नेहा। हाँ दीदी। बेटा शर्मा जी बता रहे थे डैडी को तूने कोई एड शूट किया है क्राउड में। हाँ, पास नहीं नहीं दीदी वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे जैसे दिखती है कोई और, वो एक्चुअली सबको यहाँ पे भी यही लग रहा था कि मैं हूँ। अच्छा नेक्स्ट वीक ना मेरा क्राइम टाइम का एपिसोड आ रहा है, आप जरूर देखना। वाओ वेरी गुड। कब आ रहा है ये शो? मैं आपको, हाँ मैं टाइम बताऊंगी आपको। ठीक है टाइम बता देना। हाँ ओके बाय दीदी। बाय। अरे दहेज तो लेकर आई ही अपने माँ बाप के घर। देखू मैं तो मेरी माँ से चला चला दिया, एक तो दहेज लेके नहीं आई, ऊपर से मेरी माँ से चला चला दिया। चुप तेरा नाम जादी, तेरा माँ तू अम्मा तू पीछे अम्मा पीछे मैं देखू उसे टांग तोड़ दो हाथ पे तू आए। अरे तेरा माँ और दे और दे अब तू मैं पेट्रोल लेके आया अभी रिपोर्ट लेके बता दूँ उसे बता दूँ तेल जल्दी ला। माँ चला रही है मेरी माँ से कर तेल लेके आ। अरे एक बार तो कैसे पेट्रोल ला और तू बल्ले तोड़ जा 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 ये कर क्या रही है? दिमाग खराब हो गया इसका? पैसे वैसे है इसके पास कि नहीं? पता नहीं। पता नहीं मतलब पूछो उससे और डलवाओ उसके अकाउंट में पैसे। चलें। देखा एक एपिसोड देखकर ही घर वालों ने डिपॉजिट के पैसे भेज दिए। ऐसा ही होता है, घर वालों को भी लगना चाहिए यार अच्छा काम कर रही है। वेल्लो को कोई भी नहीं पूछता है। मुझे लगता है ना लुखो से मिलवाती हूँ, तुझे जेंटलमैन से मिलवाती हूँ। मुझे क्यों लेके जा रही है, मैं क्या करूंगी उससे मिलके? चल चल। कहाँ से हो तुम? भोपाल से। ओह। मनोरमा ने मुझे तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई थी, कहने लगी तुमसे मिल लूं। सो टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं एक बिजनेसमैन हूं और हाँ वाया वाया फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को जानता जरूर हूँ। हाँ लेकिन इसके अलावा अगर तुम चाहती हो मैं किसी तरह से तुम्हारी कोई मदद। एक्सक्यूज मी रेस्टरूम। हाँ तुम्हें टैक्सी चलाने के लिए कार चाहिए थी ना? क्या इनिशियल पेमेंट क्या है? 2-2.5 लाख रुपए। कहाँ से लाओगी पैसे? इनकम टैक्स के पेपर्स हैं?
बैंक तो लोन नहीं देगा तुम्हें। घर गई है, वॉशरूम उस तरफ है और वो बाहर की तरफ गई है। कुछ लोगी ठंडा? नहीं। श्योर? ऑलराइट। हाय नेहा, आप कैसी हैं आप? या फाइन। एक रोमांटिक शायरी भेजेंगी प्लीज? जी। ओके थैंक यू। आई वाज जस्ट प्लानिंग। बता कैसा था तेरा ऑडिशन? मस्त रहा यार। होता नहीं है तेरा कुछ, तेरे बाल लंबे करके रखते। अरे यार बालों को मत छेड़ा कर यार, मुझे बहुत पसंद है, इसी की वजह से होगा। देखियो तू, इसी की वजह से होगा। तेरे छोटे बाल। नहीं नहीं। अरे लेना। अरे हाय नेहा। नेहा ना, क्राइम टाइम में देखा मैंने तुम्हें, क्या मस्त एक्टिंग करती हो यार, मानना पड़ेगा तुम्हें, सुपर एक्टिंग है। तुझे क्या बोलने की जरूरत रहती है? हाँ, हर जगह तेरा मुंह खुल जाता है। ओ, अरे लाओ। खुशब, मिल गया तुझे प्रोटीन? मस्त है, इसका 7,000 रुपए दे देना। क्या कह रहा है? पिछली बार तो तूने 3,000 का लिया था, अब क्या 7,000? वो वाला बेकार था, पता है तुझे कितना फैट था? ये देख कितना फैट चढ़ गया मुझे, इसमें फैट नहीं है बिल्कुल भी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? देख, बॉडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जरा सा भी नहीं कर सकता मैं, समझा कर यार। Please. मैं इतना महंगा नहीं दे सकती। अरे दे, मुझसे ले लेना, एक दो काम होने वाले हैं मैं दे दूंगा, प्लीज। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना, तू दे देना प्लीज, ठीक है ना? तू जा रहा है? हाँ, मिलता हूँ ना तुझको रात में। तो किस्त तो दे दे, कहीं भी शुरू हो जाती है। अच्छा जा। चल भाई चल। देखने, हाँ मैं रितेश को यंग लड़कियों से मिलवाती हूँ, दोनों को अच्छा लगता है तो वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर आगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और बदले में वो मेरी थोड़ी सी मदद कर देता है। अच्छा आदमी है यार, सालों में कितनों को मिलवा चुकी हूँ, सबने उसके बारे में अच्छा ही कहा है। हो सकता है उसके सबके साथ रिश्ते हों, हो सकता है किसी के साथ ना हों। पर तू कोई ढंग का काम भी कर सकती है ना मनोरमा, ये तो एक तरह से बोल दे पिंपिंग है यार। दुनिया में और बहुत काम है करने के लिए, दिस इज अनएथिकल मनोरमा। पर तुझे कहाँ कुछ समझ आता? तुझे पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मेरे पिताजी हाथ गाड़ी चलाया करते थे, मेरे दो मासूम बच्चे भी हैं। तुम शादीशुदा हो, बच्चे हैं तुम्हारे, तुम मिलोगी उनसे? मैं कल्याण में पली बड़ी हूँ, पैसे की बहुत तंगी थी तो पिछले कुछ सालों से इसी साइड में रहती हूँ। तुमने सुना होगा जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के साथ रहें, लेकिन हमारे साथ उल्टा है, हम दोनों बच्चों के साथ रहने से बचते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं लेकिन मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा रिश्ता कैसा है तुम्हारे हस्बैंड के साथ? रिश्तों पे ध्यान तब जाता है जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। बेचारा कहीं 8,000 की नौकरी करता है, रिश्ता निभाने का तो सोच भी नहीं पाता। वो देखो वो रहा, 30 साल का है, मुसीबतों की वजह से 40 का दिखता है। बाय आस्था, बाय आस्था, बाय ऋषि, बाय बाय बाय। आना अंदर आ। आजा आजा।
बैठो। अच्छा है। हाँ अच्छा है। मनोरमा एक बात बता, अब जब इतनी परेशानी है तो क्यों इन लड़कों पे इतना पैसा खर्च करती है? थोड़ा बचा लेगी तो तेरे बच्चों के काम ही आएगा ना। अब इतना जुल्म नहीं कर सकती अपने ऊपर यार। और तुम्हें क्या लगता है इन लड़कों पर पैसे नहीं खर्च करूंगी तो ये मेरे साथ कुछ करेंगे? तो अपनी एज ग्रुप का कोई ढूंढ ले। मेरी एज तक आते आते सेटल हो जाते हैं, इनके पास पैसे आ जाते हैं और लड़कियों की कमी नहीं होती है, मुझे कहाँ घास डालेंगे। तुम जब सक्सेसफुल हो जाना ना तो तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी रख लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा चल एक काम कर, तू यहीं हॉल में सो जाया करना, तेरा रेंट भी बचेगा और मेरी कंपनी भी हो जाएगी। बहुत से अच्छा, अब एक सिगरेट पिला दे। तू सिगरेट पीती है? हाँ हॉस्टल में कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ पी लेती थी। और दारू शारू? हाँ वो भी एमए फाइन शाइन बियर शियर पार्टी में। सही है। अब लाइटर तो दे। अरे नमस्कार सिंह साहब, कहाँ चल दिए? अरे शर्मा जी ठीक है। कल रात को टीवी पर नया बिटिया का एड देखा। हा? बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस बार तो उसने अपने चेहरे पर कोई कालक वालक नहीं लपेट रखी थी, कोई दवाई का एड था। क्या दवाइयों का एड था जी? रात के 12 बजे जो आते हैं तोलमोल चैनल पर आते हैं, देखिएगा आप रात के 12 बजे तोलमोल चैनल। ऐसा कौन सा ऐड है, इतनी रात को बुला लिया आपने? अरे शर्मा जी बता रहे थे कि 12 बजे के बाद यहाँ तो कोई ऐड आया है, इस बार उसने वो चेहरे पे कालिक नहीं लगाई है। अच्छा कोई ऐड किया है जिसमें बहुत सुंदर लग रही है। चलो देखो तो। अब हम आपको बताते हैं मोबाइल का यूनिक फीचर। हाँ, हुई है, हुई है। 18 मेगापिक्सल कैमरा। अच्छा लग रहा है। सच अ लो प्राइस। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेजोल्यूशन और पिक्चर क्वालिटी। जूली स्माइल। वाओ वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल फोटो में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वीडियो क्वालिटी। जूली कैन यू डांस फॉर मी? आप ये देख सकते हैं कि कितना हिली लेकिन फोकस नहीं हिला। इस मोबाइल की कीमत है 2999। नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें। मेरे पास है बिग बॉल मोबाइल, क्या आपके पास है बिग बॉल मोबाइल? आप भी ना, चलता है थोड़ा बहुत। आप भी सुंदर लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चलो नेहा जग रही होगी ना अभी, उसे फोन करते हैं। चलो। कितना अच्छा मेकअप था ना उसका मम्मी। हम बोलेंगे नेहा को। शर्मा ने तो कहा था कि किसी दवाई के एड में काम किया है। पहले ये बहुत थके थके रहते थे, ऑफिस से भी आते थे तो एकदम गुस्से में और चिड़चिड़े। बच्चों के साथ भी खेलना बंद कर दिया था, मैं बहुत परेशान थी। और फिर जब ये बात मैंने अपनी बहन जैसी सखी को बताई तो उसने मुझे एक उपाय बताया, मेन कोर्स कैप्सूल, जिसे खाने के बाद इनमें एक नई सफुर्ती और ताजगी आ गई। जैसे सूखे में हरियाली, मेन कोर्स कैप्सूल ने तो मेरी जिंदगी बदल डाली। और अब
ये बच्चों के साथ भी खेलते हैं और मेरे साथ भी। थैंक यू मेन कोर्स। रोज खाएं बीवी को। हे भगवान, ये नाक कटवा के रहेगी। आपके सोने के बाद मैंने उसके इतने वाहियात ऐड देखे हैं कि आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए। इस लड़के ने शर्मिंदा कर दिया है। घर से बाहर निकलने में डर लगता है। क्या करने गई थी मुंबई? ये करने? उसे शादी नहीं करनी थी, ठीक है, पर ये सब क्या है? ऐसे ही फालतू ऐड करती रही तो ये उसका जीवन में पीछा नहीं छोड़ने वाले। घर में कौन से पैसे की कमी है, कौन सी चीज नहीं है? अभी फोन लगाओ उसे, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सब उसको बोलो। उसे कहो तुरंत वापस आए। फोन लगाओ। आप कुछ नहीं बोलेंगी, मैंने मना किया है ना आपको? फोन लगाओ स्मिता, फोन लगाओ उसे। पापा, फोन लगाओ। हेलो। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन मेरे ऑफिस में तो वैसे भी बड़ा लिमिटेड सा स्टाफ है और यू नॉट रियली क्वालिफाइड फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब। तुम अगर कहीं शुरुआत भी करोगी तो यू विल गेट 10,000, 20,000। आई अंडरस्टैंड कि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती हो, तो तुम अपने फादर की हेल्प क्यों नहीं ले लेती? बट डू ओनली गुड वर्क, ओके? आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। जी मैं चलती हूं। बात छोटी है मगर समझ लेना, हर चीज की एक कीमत देना। चीज लेने से पहले भाव देख लेना, कीमत देने में गुजर सकती है जिंदगी, सोच लेना। अपनी तो गुजर गई, तुम अपनी देखो। अच्छा सुन, ये वाटर साइन क्रिएटिव का ऑफिस कहाँ है? ये तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। कॉल किया? यार राजदीप का मैसेज आया है, कह रहा था कोई नई सीरियल शुरू होने वाली है, उसमें लक्ष्मी बाई के रोल के लिए बुलाया। पिक्चर्स पसंद आई है उन्हें मेरी। अब लक्ष्मी बाई बनाएंगे। We'll be right back.
हाँ दीदी। कंग्रेचुलेशंस। पापा को बता दूँ? बहुत खुश होंगे। अरे नहीं दीदी, अभी डैडी को क्या बताना, इनिशियल स्टेज पर है सब कुछ। अरे अगर तुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है तो एक्टिंग भी करा लेंगे। हाँ और तुझे तो मालूम है ना मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। अरे करा लेंगे, क्यों परेशान हो रही है। हाँ चल ठीक है दीदी, फिर मैं तुझे शाम को कॉल करती हूँ। ठीक है, रात को बात करते हैं। ओके बाय। बाय दीदी। सब ठीक? हाँ सब ठीक। यार जब भी घर पे बात करती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे किसी मिशन पर हूँ, हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती है। लकी हो भाई, कोई परेशान करने वाला तो है। इसमें क्या लकी? ये मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज कैंपेन। पूरे कंट्री में 500 होर्डिंग्स लगने वाले हैं। वी हैव बिग मीडिया प्लान्स। यू आर अ स्टार नाउ, बट बी फोकस्ड। आई विल। ऑल थैंक्स टू यू। यू डिजर्व इट। आज पार्टी ना मेरी तरफ से। अब मुझे लगता है ना कि मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगी। मन लगा के काम करना। छोड़ना यार, सब ठीक हो जाएगा। ये विजय को क्यों लाई है? खुश है यार तेरे सीरियल से, और टैक्सी मैं अफोर्ड नहीं कर पाती तो। अच्छा एक बात बता, ये इसका हेयर स्टाइल हमेशा एक जैसा क्यों रहता है? एक बार ना इसके सर पर ऊपर बिल्डिंग से पत्थर गिर गया था तो इसका ये पूरा बाल वहाँ पे खाली हो गया है, तो तब से ये विग लगाता है। उसे बताना मत। हाँ आर यू सीरियस? अच्छा उसे बताना मत, मैंने बताया तुझे। घर और रेलवे स्टेशन पर भी देखा। सिंह साहब भूल मत जाइएगा। सिंह साहब मैं बेटिया बहुत बड़ी एक्टर बन जाएगी और उसको फिल्म में भी मिलेगी। बिजी तो नहीं हो? नहीं डैड। सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। डैड आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना शर्मिंदा होना पड़ा, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा डैड। आज तुम्हारी होर्डिंग देखी, बहुत खुश हुआ। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू नेहा। बेटा एक कार ले लो। यू नो To maintain the status in your industry? Ji, Dad. God bless you. Bye. Bye. Thank you. तो आप सीरियल की खुशी में पार्टी दे रही हैं? मैं गया था सेट पे। इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वाकई में। राजदीप जी आप हर वक्त काम की बात करते हैं, कोई और बात करें? ओह आई एम सो सॉरी। हाँ जब भी मिलते हैं वाकई में काम ही की बातें करते हैं। आपके घर में कौन कौन है? जी मम्मा,
पापा, एक बड़ी सिस्टर एंड क्यूट सी नीस। ओह वाओ, दैट्स रियली नाइस। और आपकी शादी हो गई? नहीं। तो गर्लफ्रेंड? नो। नो गर्लफ्रेंड? नजर से कोई यहाँ नहीं देख रहा है ना, हाँ। तो उसका एक ही मतलब है कि वो गे है। अच्छा सुन, पता है उसका 21 साल का बॉयफ्रेंड है और वो और सुन ना, वो शायरी मंगवाता था उसे भेजने के लिए। जेंटलमैन, मैन टू मैन। अच्छा बस कर, उस बेचारे पे हंसना बंद कर मनोरमा। क्या बोल रही है, मैं तुझ पे हंस रही हूँ। सच्ची बहुत गंदी है। Mad you are. स्मिता क्या कर रही है, सो गई? आप सोए नहीं अभी तक? अपने कमरे में है, संजीव से बात कर रही है। तुम्हारे कैरेक्टर पे गई हैं दोनों बेटियां तुम्हारी, मजा ले कोई उंगली उठा ले। और जिद में बिल्कुल आप पर गई है, मजाल है कोई आसानी से मना ले। इसी बात का तो पछतावा है आज तक। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है स्मिता का रोना। इतना बुरा भला कह दिया उसके पति को, 2 साल से उसे यहां छोड़कर यूके में बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दे लव इच अदर, रोज बात करते हैं एक दूसरे से। He has no reason to hate her. सिर्फ मुझे पनिश कर रहे हैं वो। आप कुछ भी सोचते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेहा के लिए भी कितना परेशान रहते थे, भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया ना। अच्छा वक्त आने में टाइम नहीं लगता। सो जाइए। गुड नाइट। अस्मिता नहीं, अस्मिता, अपनी अस्मिता नहीं लुटने दूंगी। ओके सर, वन मोर। गद्दारो, हम अपनी अस्मिता नहीं लुटने देंगे। अरे अस्मिता नहीं, अस्मिता नहीं लुटने दूंगी। अस्मिता, अस्मिता। अरे अस्मिता बहुत। ओके सर, वन मोर। ठीक है चलो। गद्दारो, हम अपनी। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, ये नहीं कर पाएगी, पागल कर देगी, प्रॉब्लम है बहुत सारी। क्या कर रही हो आप? अरे ये सोचो, सामने कैमरा है ही नहीं। कैमरा है तो सही, ऐसे कैसे सोचूं? एक काम करते हैं नेहा। जी सर। कल करते हैं, आज पैकअप है। चरण को फोन लगाओ। एक बार ट्राई करते हैं प्लीज। अच्छा ही तो बोल रही हूँ, बुरा क्या बोल रही हूँ? वो तो अच्छा ही बोलती है फिर भी। नहीं नहीं, पर अच्छी है, अच्छी है। तू कहाँ देती है? तू भी दिया अगर मुझे गिफ्ट। खुद ले लूँ। नेहा जी। जी, वो हनुमान मंदिर से प्रसाद लाया था और कुछ मिठाई भी सीरियल की खुशी में। ला दे। जी मैं चलूं?
ठीक। नहीं यार, थक गई। हाँ यार, बस ऐसे ही। क्यों, क्या हुआ? आई डोंट नो यार मनोरमा, क्या हो रहा है? कैमरा ऑन होती सब कुछ भूल जाती हूँ, एक वर्ड नहीं निकलता मेरे मुंह से यार। सबके साथ होता है यार, ठीक है। बट फिर भी तू किसी कैमरामैन को जानती है? मैं देखती हूँ। मुझे लगता है मुझे डे नाइट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे भी ये लोग ज़्यादा देर हैंडल नहीं करते हैं, तुझे पता ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस देखती हूँ। हेलो नेहा। जी मैम। I'm so sorry to inform you, but you're no longer the part of the Lakshmibai project. जी? We've replaced you. मैम, how could you do this? मैम, at least one chance. नेहा, ये ऑडिशन नहीं है। एक घंटे शूट लेट होने का मतलब है loss of lakhs of rupees. मैम एक, and what about the contract then? ध्यान से पढ़िए आप, उसमें clearly mentioned है कि हम आपको जब चाहे निकाल सकते हैं। आपको एक दिन का पैसा मिल जाएगा। मैम, एक चांस मैम। सॉरी, वी कांट हेल्प यू। क्या हुआ? गॉड यार, आई एम आउट। निकाल दिया उन्होंने मुझे सीरियल से। ऐसा नहीं कर सकते हैं यार वो, मैं अभी एसोसिएशन वाले से बात करती हूँ। प्लीज बंद कर। नहीं तू रुक, मैं अभी बात करती हूँ। मनोरमा शट अप यार, बंद कर तमाशा। तो प्लीज हफ्ता 10 दिन कहीं और रहने का इंतजाम कर ले यार, मुझे अकेले रहना है। Replaced? स्मिता जी। मामा, नेहा 2 दिन से फोन नहीं उठा रही है, क्या बात है? मेरी बात हुई थी उससे। हाँ, बिजी है अभी, वो फोन कर लेगी फ्री होकर। कपड़े लेने आई थी। हॉस्पिटल में थी, बच्चे भी याद कर रहे थे तुमको। तुझे क्या हुआ? वो यार सिस्सा हो गया था थोड़ा सा, तो डॉक्टर बोल रही है कैंसर भी हो सकता है, वो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। पैसे आते हैं तो ऑपरेशन कराती हूँ। विजय को बताया मैंने, उसे भी अफसोस हो रहा था तुम्हारे सीरियल का। छोड़ना यार वो सब, तू बता कुछ खाएगी? नहीं तो मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? वो रितेश ने बुलाया है, उसी से मिलने। अच्छा सुन, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, इतने दिन से घर से भी बाहर नहीं निकली हूँ, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। चले, चल चलते हैं। हम्म,
बस यही है, यही। हाँ ओके चलो। नहीं तुम मिल लो ना। तुम भी मिल लो, इतना बुरा भी नहीं है। चलें फिर। मैंने तुम्हारे वो लक्ष्मी बाई की होर्डिंग्स देखी, काफी बड़ा कैंपेन है। आई मीन एंड यू आर लुकिंग रियली नाइस। कब आ रहा है टीवी पर? वो ना उसने छोड़ दिया, ये सीरियल वगैरह में ना बहुत रगड़ना पड़ता है। लेकिन क्यों? आई मीन अच्छा लग रहा था। खैर यू गाइस नो बेटर। नहीं पर इसे ना इसे फिल्म करनी है। ओह रियली? अरे इनफैक्ट मैं भी एक छोटी मोटी फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। नहीं नथिंग दैट बिग, जस्ट एक्सपीरियंस द मार्केट। नहीं नहीं पर बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि छोटी छोटी फिल्में ना बहुत बिजनेस करती हैं। बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली है मुझे, और एक अच्छा डायरेक्टर भी मिला है। अच्छा डायरेक्टर और अच्छी एक्ट्रेस, बस यही तो चाहिए। यप व्हाई नॉट। हाँ शर्मा जी बोलिए। अरे क्या बोलूं सिंह साहब। क्यों क्या हुआ? अरे मुझे तो बहुत बुरा लगा सिंह साहब, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? नेहा बिटिया की होर्डिंग उतर गई। होर्डिंग हटा दी गई? और मेरे तो उड़ता उड़ता सुना है कि उसको सीरियल से भी निकाल दिया। व्हाट? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। क्या आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, यही जानने के लिए तो मैंने फोन किया। मैं आपको फोन करता हूँ। स्मिता, स्मिता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वो शर्मा बोल रहा है उसे सीरियल से निकाल दिया गया है, उसकी होर्डिंग हटा दी गई है। जी बोल रही थी, बहुत टायरिंग था, उसने ही छोड़ दिया। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? डिस्गस्टिंग। घर जाने का तो भूल ही जा, क्योंकि तू वहां नहीं एडजस्ट कर पाएगी और वो तेरे साथ नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। वक्त कम है हमारे पास, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। तुझे चढ़ गई है क्या मनोरमा? कुछ भी बोले जा रही है, जिंदगी पड़ी है यार। और वैसे भी फिल्म तो कर रही हूँ ना। डायरेक्टर नया, एक्टर नए, प्रोड्यूसर नए, ऐसी हालत में अगर फिल्म चल जाए ना तो ऐसा है कि जैसे कि गेहूं की गोनी में एक दाना निकला हो जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हो। ऑस्कर लायक भी होगी ना तो नहीं चलने वाली। अब ये कौन सी बातें कर रही है तू? अच्छा एक बात बता, सबसे पहले क्या आता है बचपन के बाद? जवानी। उसके बाद बुढ़ापा। बुढ़ापा पर क्यों? क्योंकि एक बार ये ताजगी चली गई ना तो पता है क्या कहते हैं, उतरा हुआ टायर। देख बहुत जरूरी है कि तेरा एक बड़ा प्रमोशन हो और तुझे किसी बड़े एक्टर के साथ काम मिले या तुझे कोई बड़ी फिल्म मिले। और मैडम वो कैसे होगा? तुझे रितेश कैसा लगता है? अच्छा है। अच्छा है या अच्छा लगता है? अब ये क्या बकवास है यार, वो तुझे सच में पसंद करता है और उसके हालात ऐसे हैं कि वो तेरे करियर में तेरी मदद कर सकता है। तू उसके साथ अफेयर क्यों नहीं कर लेती है? तू पागल हो गई है? तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है मनोरमा, और कुछ नहीं, अफेयर चला ले, फीलिंग्स भी होनी चाहिए। अच्छा कितना वक्त गुजर गया है धक्के खाते हुए और यहाँ वहां जलील होते हुए, और तुझे अभी भी फीलिंग विलिंग की सूझ रही है? बेवकूफ। अच्छा चल अब एक सिगरेट पिला दे।
डैडी, नेहा का नया आर्टिकल आया है, फिल्म शुरू हो रही है उसकी, ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। थक चुका हूँ ये सब देख के, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल, होर्डिंग्स। उसे काम करना तो कुछ आता नहीं, पता नहीं क्या करती रहती है, अपना नाम तो बदनाम कर ही रही, साथ में हम लोगों का भी। बेटा एक कप चाय पिला दो, इसका कुछ होना नहीं है। तू मुझे आए दिन परेशान ना किया कर, समझा? जब देख शुरू हो जाता है। नेहा जी, मैं ना कुछ बात है, इतनी सुंदर होने के बाद भी इतने टाइम बाद काम मिला है, बहुत शरीफ है ना, इसलिए ऐसी लड़कियां कहां मिलती है आजकल। देवी है देवी, देख लेना, ये जो करेगी ना शादी के बाद ही करेगी पक्का। ये सोच ना तेरी गवार वाली, तू रहेगा वही, तू खुद इतना ठरकी है, तू तो ऐसी बातें मत ही किया कर। सुन, आदमियों का सब चलता है, लेकिन औरत का बंधन तभी खुलना चाहिए जब वो बंधन में बंधे, समझी? ना कितना जीन जूते पहन ले, तू रहेगा वही, और तेरी ये जाहिलो गवारों वाली बात खत्म नहीं होने वाली है। चल बैठ। सर मैं इतने लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं बोल सकती। नेहा तुम सीरियल्स करती थी ना, वहां भी लंबे लंबे डायलॉग्स बोलती थी ना, अब क्यों नहीं कर पा रही हो? हाँ वो तो बस ऐसे होते थे कि बचा लो मुझे, मैंने खून नहीं किया, मुझे माफ कर दो, ऐसे टाइप्स, एक एक लाइन के बस। अब सर मैंने ना एक ऐड किया था, उसमें थे लंबे लंबे डायलॉग्स। एक आइडिया मेरे पास, हम लोगों पर निर्भर होके अपनी जिंदगी की परेशानियों को बढ़ा देते हैं, जबकि जीवन की यात्रा हर इंसान की अपनी है। ओके सर, स्पॉट मोबाइल। अनुज, तुझे क्या लगता है पैकअप कब होगा? पैकअप? हाँ मुझे नहीं पता। हेलो, ख्वाबों में ख्वाब कहाँ, नींदों में नींद कहाँ, तू ही तो है। कौन सी फिल्म का गाना है ये? मैंने लिखा है, अच्छी है ना कॉम्पोजिशन? तुमने बनाई? हाँ हाँ, कोई कह तो रहा था कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, इसको अपनी फिल्म में यूज करना चाहिए। हाँ बात करता हूँ डायरेक्टर से। अच्छा सुनो, पार्टी करें आज? ओके। ख्वाबों में
फोन पे ही लगी रहती है, ना अपना डायलॉग याद करती है ना कुछ, पूरा टाइम बस बैकअप बैकअप। मुझे समझ में नहीं आता कि सर इसको इतना झेल क्यों रहे हैं। तुम जानती हो कौन है ये? कौन है? रितेश सर की गर्लफ्रेंड। ओके। कुछ इस तरह तुझको चलूं मुझसे सफर हो जाए तू, कुछ इस तरह तुझको चलूं मुझसे सफर हो जाए तू, चलना भी तुझसे हो शुरू और मेरी हद बन जाए तू, देख ले खोल के तसव्वुर होगा तेरा ही निशान, मैं गलत फहमी लगूं मेरा यकीन बन जाए तू, मुझ में भी मैं हूं कहां, मुझ में भी मैं हूं कहां, तू ही तो है। हाँ ठीक है, फोन करता हूँ बाद में। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। आप तुमने बताया नहीं कल शूटिंग में तुम भी थी, सारे परेशान हो रहे थे, डायरेक्टर का भी फोन आया था, हम तो यहाँ बाद में भी आ सकते थे। मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया ना तुम्हारा। नहीं नुकसान की बात नहीं है, इट्स जस्ट इट्स नॉट राइट फॉर योर करियर। इट्स ओके, रिलैक्स, आओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं।
हाँ नेहा बोलो। How are you? I am good. और क्या हो रहा है? All good. Fun. Backup हो गया? Let's meet up then. 8 o'clock? Okay. All right. See you then. Okay. Bye bye. पार्टी बोरिंग थी ना? नहीं, ठीक ही तो थी। चलो अच्छा है, फिल्म कंप्लीट हो गई। तुम्हारी फैमिली बहुत खुश होगी, खास करके तुम्हारे डैड। हाँ, सब लोग खुश हैं और सबको स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन डैड तो तभी खुश होंगे जब मेरी शादी होगी। हाँ, फैमिली का तो थोड़ा रहता ही है ना शादी का। मुंबई खासकर एक्ट्रेस बनने के लिए तो आई नहीं थी, चलो दुनिया वालों को दिखाने के लिए एक फिल्म भी कर ली। आई मीन मुझे और काम करना है, बट एटलीस्ट इस फिल्म के बाद मुझे स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा। डैड की जिद थी कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शादी के नाम से भी चिढ़ होती थी। पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई है। आई मीन अक्सर वक्त के साथ लोगों की सोच बदल जाती है। मैं सोच रही थी कि हम शादी कर लें। अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे, पर ऐसे साथ तो रह सकते हैं, यू नो। हाँ हेलो, फोन क्या था? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। नेहा वो अर्जेंट काम से आना पड़ेगा, अब इस बारे में आराम से बैठ के बातें करते हैं। मैं बस 1 घंटे में आ जाऊँगा। ठीक है तो ऊपर ही आ जाना। या शो बाबू, हेलो, बाय बाय। आजा आजा आजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बता क्या खाएगी? चाउमीन खाएगी, दारू पिएगी, क्या खाएगी मुझे बता। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है, कोई लड़का मिल गया क्या? क्या बोल रही है, लड़कों की तो लाइन लगी हुई। सेक्स वेक्स में अब मुझे मजा नहीं आता है। तो बस वैसे मैं बहुत खुश हूँ आज। पूछ क्यों? अच्छा बता क्यों? क्योंकि रितेश मुझे नई गाड़ी दिला रहा है, वो टैक्सी में चलाने के लिए, और वो भी बिना किसी लोन के। तो मेरी लाइफ ना सॉर्टेड है नेहा, बस यही चाहिए था। एक बात बता, अब तो नहीं मिलवा रही ना लड़कियों को रितेश से? क्या कह रही है यार, मुझे नहीं पता है कि तुम लोगों का क्या चल रहा है, मैं क्यों से किसी लड़की से मिलवाऊंगी। चल एनीवेज, अभी थोड़ी देर में रितेश घर पे आ रहा है, तो तू जरा बाहर चले जाना, पता नहीं कहीं उसे अच्छा लगे ना लगे। तो चल एक गिलास पानी पिला दे। आजा बैठ। मनोरमा, तुझे एक बात बतानी थी। वैसे इट्स अ सीक्रेट, पर आई थिंक तुझे बताना भी जरूरी है।
क्योंकि तेरा तो पता नहीं कब कहाँ क्या। वैसे इतना भरोसा तो कर सकती हूँ ना मैं तुझ पर? हाँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? चल एनीवेज छोड़, मैं शादी कर रही हूँ। क्या मतलब किससे? मेरा अफेयर किससे चल रहा है? रितेश से। तो ऑफ कोर्स उसी से शादी करूँगी ना। अब हर जगह तो मुंह मारती नहीं फिरती हूँ। एनीवेज पता नहीं मेरी बोली को आजकल क्या होता जा रहा है। और हाँ, मैं शायद शादी के बाद तुझे ज़्यादा मिल ना पाऊँ, बिकॉज यू नो ना कि ये लोग कितने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं पत्नियों को लेकर। तो चल फिर मैं निकलती हूँ। आप ये रितेश साहब क्या बोल रहे हैं? मुझे तुमसे ये कहकर मिलवाया गया था कि तुम करियर को लेकर बहुत एम्बिशियस हो। मुझे एक फिल्म बनानी थी और इत्तेफाक से तुम इसमें काम कर रही हो। देखो नेहा, अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा हो जाता कि मुझे लेकर तुम्हारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं तो मैं तुम्हें पहले बहुत पहले ही रोक देता। तुम हर्ट ना हो जाओ इसलिए पहले तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं शादीशुदा हूँ नेहा, और मेरा एक 4 साल का बच्चा भी है। मेरी फैमिली यूके में रहती है। मनोरमा, इधर आओ। तुम्हें पता था ना रितेश शादीशुदा है? क्या? मुझे नहीं पता था। तुझे पता था ना रितेश शादीशुदा है? ये बात क्या? मुझे पता था रितेश शादीशुदा है। मुझे नहीं पता था। यहाँ एक मिनट। मुझे पता था रितेश शादीशुदा है। मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं पता था। तुझे अपने पैसों के लिए मुझे भी एक शादीशुदा आदमी के साथ। तुझे पता? तुझे मेरी बात से ही उन्होंने बताया मेरा सा कुछ भी। एक मिनट मेरी बात से। मेरी बात क्या? मेरे घर में क्या? अच्छा मैं एक मिनट मेरी बात तो सुन। मेरे घर से नहीं आने आने मेरे घर मेरी। और तुझे तेरे बच्चों की कसम, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। नेहा जी नेहा जी जी, आप मुझसे ज्यादा चीजें जानती हैं। इस तरह से क्या फायदा होगा? मेरा मतलब आपकी हेल्थ कितनी खराब हो जाएगी, और आपकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है कुछ दिनों में।
मनोरमा जैसे कितने लोग आएंगे जाएंगे, आपको उसे मुंह नहीं लगाना चाहिए था। आप जिम शुरू करें, अच्छे से खाना खाएं, आप कहें तो शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, सामान लेके आ सकते हैं। ये क्या पागलपन है, ऐसे कैसे नेहा जी को निकाल के किसी और को ले लिया फिल्म में? तुझे पता है ना इस फिल्म को लेके नेहा जी को कितनी उम्मीदें थी। अरे नहीं कर पाई एक्टिंग, और तुझे पता है कितना बड़ा चांस मिला था उसको, पर उसका ध्यान तो पता नहीं बस। खैर छोड़ो, तू उसे बता देना कि उसको निकाल कर किसी और को ले लिया है उन्होंने। क्या मैं कैसे बताऊंगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, तू बता दे। तू देख लेना, बता दियो उसको, किसी और से पता चलेगा। नहीं, तो सुन सुन, सुन या मैं कैसे बताऊंगा, नहीं बत मन। सॉरी दीदी, वो शूट में इतना बिजी रहती थी कि टाइम ही नहीं मिलता था आपसे बात करने का। मतलब हेलो बोलने में भी प्रॉब्लम थी क्या? अच्छा सुन, वो छोड़, डैड इस बार बहुत एक्साइटेड है तेरी मूवी को लेकर। उनको कहानी भी बहुत अच्छी लगी, कह रहे थे रिलीज वाले दिन पूरी फैमिली एक साथ जाएगी। सुन, और अगर तुझे रिलीज की डेट पहले ही पता हो तो हमें बता दे, टिकट भी बुक कर लेंगे। तूने एक्टिंग तो ठीक ठाक कर ली है ना? हाँ दीदी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। गुड गुड। अच्छा सुन, मम्मी से बात कर। हाँ बोल मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हाँ मम्मा। अच्छा सुन, शनिचर के दिन हनुमान जी का व्रत तो रख दिया ना, भूलना नहीं। नहीं मम्मा। अच्छा तुझे मजे वाली बात सुना, वो मल्होत्रा जी आए थे अपने घर अपनी बहू और बेटे को लेकर। अरे वही मल्होत्रा जी जो अपने नराय बेटे का रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए। तेरे डैडी ने तो उन्हें बता दिया तू मुंबई में है और ये फिल्म कर रही है। साफ ही सुन गया जैसे उन्हें। अच्छा मामा, वो सब छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो? मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, तू अपना ख्याल रख। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ मामा। ठीक है, पक्का फोन करना। हाँ मामा, बाय। हेलो नेहा जी, एक बात बतानी थी। कल मनोरमा मिली थी, कह रही थी कि आपको फिल्म से निकाल दिया है। हर बार खेले हर बार हारे, हर बार खेले हर बार हारे, तमाशे जिंदगी के लुभाते बहुत है। जिंदगी की बातों में हम आए बहुत है। बाहर
ने जिंदगी ने बनाए बहुत है, जिंदगी की बातों में हम आए बहुत है। रुलाती है मुझको खुद, हंसती है मुझ पर, रुलाती है मुझको खुद, हंसती है मुझ पर। जिंदगी को आती मजाकें बहुत है, जिंदगी को आती मजाकें बहुत है, बहाने जिंदगी ने बनाए बहुत है। जिंदगी मुझे बता तो संग है या है खफा, तू मंजिले दिखा के मुझे दे रही दगा है, तू चन लम्हों की मुस्कुराहटों के बदले में उम्र भर रोने की क्यों दे रही सजा है तू। मुझे जिंदगी की दुआ अब न देना, मुझे जिंदगी की दुआ अब न देना, सितम जिंदगी के पुराने बहुत है, सितम जिंदगी के पुराने बहुत है, सितम जिंदगी के पुराने बहुत है। सुनो ना, देखो ना, नेहा का फोन दो दिन से आउट ऑफ रीच आ रहा है। सोनल भी तो नहीं है मुंबई में। मैं सोच रही थी स्मिता और मैं जाकर मिलाते उसे, पता नहीं कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है, मिल आना चाहिए ना। ठीक है। क्या कहा? कोई नहीं, आके बात करेंगे। क्योंकि एक बार ये ताजगी चली गई ना तो पता है क्या कहते हैं, उतरा हुआ टायर। कल डॉक्टर ने वापस चेकअप के लिए बुलाया है। नेहा जी, आप पानी लेंगे? नेहा जी, डॉक्टर ने किसी भी तरह के नशे के लिए मना किया है। शाम को फ्रेश खाना लेते हुए आऊंगा। आप कहें तो मैं घर की चाबी रख लूं? चलता हूं।
तुझे रितेश कैसा वो तुझे सच में पसंद करता है। नेहा जी, नेहा जी, खाना लाया हूँ। आप कहे तो मैं आपके फैमिली को फोन कर देता हूँ। ये क्या हाल बना लिया है आपने? मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नहीं, बैठो। खत्म हो गई ना मैं? देखो तू वे पूरी लगने लगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। नहीं, बदसूरत हो गई ना है? खत्म, उतरा हुआ टायर। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। डोंट चेंज योर स्टेटमेंट। बोला था ना डैडी ने, करियर नहीं बनाया तो जिंदगी खत्म। फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड। तुम भी नहीं आओगे ना, है ना? जी नहीं। नेहा जी, ये फील्ड आप जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। आप शादी कर लीजिए। कौन करेगा मुझसे शादी, हाँ? एक लूजर से शादी कोई नहीं करेगा। देखो शक्ल, देखो मेरी शक्ल, गई उम्र, गई ताजगी। नहीं नेहा जी, आपसे तो कोई भी कर लेगा शादी। तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना? नहीं नेहा जी, कोई नहीं करेगा शादी। ऐसा नहीं है। चलो। नहीं नेहा जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। तुम करोगे मुझसे शादी? चलो, हाँ चलो शादी करता। नहीं, चलो शादी करता। मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए।
बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। सुन तो लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या किया? मेरी बात तो सुनिए, समझा रहा हूँ आपको मैं समझा रहा हूँ। अरे एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी तरफ एक मिनट नेहा जी, मेरी बात सुनिए ना। अरे मैं बता रहा हूँ आप। अरे चुप, क्या फोन कर रही है तू? क्या किया मतलब? शादी किया हमने। What? Are you out of your mind? पागल हो गए? चुप। मैं कितना मना कर रहा था पता तुझे? मरने के लिए तैयार थी तुम, चाकू उठा के गले पे लगा लिया था, कुछ हो जाता तो मर जाती। क्यों किया? देख शादी किया हमने, ये देख, देखो देख देख और देख। नहीं। बात करती है, इतना क्यों रो रही है नेहा? शादी ही तो किया हमने, कोई पाप थोड़ी ना किया हम लोगों ने। अब भगवान ने एक नया मौका दिया है तुम्हें, नए तरीके से जिंदगी शुरू करेंगे। और हाँ, आगे से नशे मत कीजिएगा, पता नहीं मेरी जगह कोई और होता तो क्या हो जाता। विजय, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, बस फेसबुक पे पिक्स डाली थी। ओह गॉड। अरे मेरे दोस्तों को तुम बहुत अच्छी लगी, बहुत लाइक्स आए हैं। अरे हाँ, मैंने तुम्हें भी टैग किया है, देखो तुम्हें भी लाइक्स आई होगी। हाँ, दीदी का कॉल आ रहा था, तुम्हारे दीदी का बार बार। कल हम गांव जाएंगे, हाँ देखना, माँ को तुम बहुत अच्छी लगोगी। पिछले 3 दिन से आपकी बेटी क्या गोल खिला रही है आपने देख लिया? कभी फोन नहीं लग रहा उसका, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। पूरी दुनिया में जलील करके रख दिया इसने मुझे, समझती क्या आपने आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मालूम है कितना बड़ा धक्का लगा मुझे? मेरे ही दोस्त मेरी बेटी की शादी की बधाइयां दे रहे हैं और उसके बाप को नहीं मालूम। डिस्कस्टिंग। ये क्या क्या करता है ये लड़का, है कौन वो? मुझे भी सुबह ही पता चला है, कोई विजय है, उसी ने सब फेसबुक पे टैग करके रखा है, शायद कोई एस्टेट एजेंट है। एस्टेट एजेंट है? हेलो, हाँ पता नहीं संजीव, हमने भी आज सुबह ही फेसबुक पे देखा। पता नहीं किससे कर ली शादी। अरे विजय की शादी के कितने अरमान थे। अरे मंदिर में जाके कर ली। अम्मा बहुत ही सुंदर छोरी है, देख विजय ने फोटो डाला फेसबुक पे, देख देख देख। रे हट रे,
हमको ना देखनी। अब यारी थोड़ी देर में जिंदा आई तभी देख लूंगी। अरे विजय बहुत ही करू आदमी था, मुझे तो पहले ही मालूम थी बड़ा लंबा हाथ मारा है। ए बैठे बैठे यहाँ बातें क्या फोड़ रहे हो? खाना ना बनेगा, जाके जल्दी से बाजार से सब्जी ले आओ। अरे इधर आजा अंदर, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे हमें तो ये भी ना पता है कौन जात की है छोरी। सारे अरमान तुल्ले में छोक दिए इस छोरे ने। आप 2 दिन से वॉक पे नहीं गए। जब हम बच्चे थे ना तो मेरी दादी मेरे पापा से हमेशा कहती थी कि बच्चों को कामयाब कैसे होना नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन खुश कैसे रहना है ये जरूर सिखाया जा सकता है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देख विजय, 4 लाख में तेरा ब्याह तय हुआ था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ? कहीं भूखे नंगे घर से तो नहीं आया लड़की? अम्मा बड़े लोग हैं तो सब सब मिलेगा, तुम टेंशन ना लो। तू भी ना खामा खाम अंदर बैठी है, थोड़ा आहिस्ता बोल। ए विजय। हाँ? इधर आइयो। हाँ भाभी। ये इतनी उदास क्यों है? तूने कुछ गलत तो ना किया इसके साथ? नहीं नहीं भाभी, क्या बात कर रहे हो आप, थकान होगी बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, तुम ना टेंशन ना लो। क्या हुआ नेहा? मुझे पता है गांव में एडजस्ट होने के लिए ना थोड़ा वक्त लगता है, पर ना थोड़ा वक्त बिताओगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पता है घर में सब खुश हैं, होंगे ही, तुम हो ही इतनी सुंदर। असल में ना आज हमारी सुहागरात है। नेहा नेहा क्या क्या हुआ, क्या हुआ बाबू? दिखाओ ना क्या हुआ, प्लीज जाओ यहाँ से। दिखाओ ना, दिखाओ ना बाबू क्या हुआ। नहीं तुम, अरे जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जाओ जाओ। आ गए आप? कहाँ थे आप, कितना फोन कर रही थी मैं आपको। एडवोकेट के यहाँ गया था प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने। मैंने डिसाइड किया है कि अपनी आधी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर दूंगा। स्मिता को बता देना तैयार हो जाए, नेहा क्या जाना है।
अब पिताजी तो हमारे 15 साल पहले चले गए। हम दो भाई हैं, हम बड़े हैं, ये छोटा है, हमारी एक बहन भी है छोटी, बस एक छोटा सा परिवार है हमारा। और ये मार्केट में हमारी एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, बस ये छोटा सा व्यवसाय है हमारा। तुम्हारे खसम का करते हैं कौन? तुम्हारे पति के बारे में पूछ रही है, हस्बैंड? हस्बैंड जी सिविल इंजीनियर है। लली को ना लेके आई हो? हमारे तो 6 हैं, 4 लल्ला और 2 लल्ली। वैसे 8 साल में 6 बालक निकाल डाले मैंने। प्लीज नेहा को बुला दीजिए। हाँ अभी लेके आई। अरे बालको चलो नानी के पास घूम के आओ, जाओ जाओ चलो, जाओ जाओ चलो। वो कहा है कि नाश्ता आवेगा तो 2 मिनट में प्लेट साफ हो जाएंगी, या हमारे बालक भेजते हैं। अरे तुम लोग क्यों बैठी हो, चलो चलो शाम को आना। जाओ, जाओ। चलो मिल लो। कैसे फेस करूंगी दीदी? तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, तो बता क्यों नहीं देते हो सब कुछ? सब कुछ बता दूं ना सच सच। क्या बताऊं कि मैं नशे में इतनी धुत्ती कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी शादी कब हुई। अरे खाओ। स्मिता जी नहीं ठीक ले लीजिए। नहीं, नहीं ठीक है। डैडी बहुत फेमस लड्डू है। हाँ आप बहुत ही फेमस हैं, लियो खाओ खाओ खाओ। नहीं पापा नहीं खा सकते, उन्हें डायबिटीज है। अरे खाओ ना, जब आनी होगी ससुरी आ जाएगी है, लियो खाओ। पापा नहीं खा सकते, उन्हें मना है। अरे रहन दे, ना खा रहे तो काहे जबरदस्ती कर रहा है। मत खाओ। देख ले ऐसी हो गई हैं बेटियां, माँ बाप का कितना ख्याल रखे हैं। अरे भाई बड़े अरमान थे हमें विजय की शादी के। वो ना आ रही है, शर्मा रही है थोड़ा सा। पर छोड़ी बड़ी शर्मिली है तुम्हारी। अब तो यहीं की है गई तुम्हारी नौंडिया। नेहा बस बस क्या हाल बना रखा है ये? एक बार तो मुझे बता दिया होता, फोन कर लेती। क्या कर लिया है? पता है पापा मम्मी को कितनी तकलीफ हुई है। भोपाल से चपरा 6 से 8 घंटे की दूरी है ना डैडी, आपको कितना टाइम लगा? स्मिता को बुला दीजिए, जाना है। आज रुक जाते डैडी। प्लीज बुला दीजिए। जी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आए थे पापा, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। ठीक हो ना तुम? स्मिता जी। जी डैडी बुला रहे हैं। जी निकलती हूँ, टेक केयर। चल ख्याल रखना। पापा चलते हैं। Thank you.
बहुत लेट हो गए आप लोग। कैसे है वो लोग, कैसे है उसका ससुराल और उसका घर? माँ बहुत थक गई हूँ, कल बात करें। ख्वाबों में ख्वाब कहाँ, नींदों में नींदे कहाँ, ख्वाबों में ख्वाब कहाँ, नींदों में नींदे कहाँ, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, सांसों देखो मनोरमा, नेहा से मेरी कोई जाती दुश्मन तो थी नहीं यार, उसका एक ही प्रॉब्लम था, शी इज अ वेरी बैड एक्ट्रेस। क्या लिखती थी वो, क्या लिखा यार उसने गाना, फैबुलस कॉम्पोजिशन, दो दिन में यूट्यूब पर 10 लाख हिट्स। अरे म्यूजिक कंपनी ने फोन करके परेशान कर दिया मुझे, आज के दिन में कम से कम 20 फोन कर चुके हैं। यू नो हाउ दिस कंपनीज है, उन्हें डर है कि नेहा को उनसे पहले कोई और कंपनी ना साइन कर ले, सो दे वांट टू साइन हर ऑन एन एक्सक्लूसिव बेसिस। उसे कहना जरा डायरेक्टर से एक बार फोन पे बात कर ले। वैसे कहाँ है वो आजकल? पता नहीं, पर मालूम करती हूं। ओके, कुछ इस तरह तुझको चलूं, मुझसे सफर हो जाए तू, चलना भी तुझसे हो शुरू, और मेरी हद बन जाए तू, देख ले खोल के तसव्वुर होगा तेरा ही निशान। कितना वक्त खराब किया इसने, इसे म्यूजिक में क्यों नहीं ट्राई किया? मिली ना मेरी बेटी को सक्सेस, कर लिया ना आपका नाम रोशन। मैं तो हमेशा से कहती थी बहुत अच्छी लिखती है ये, बहुत हिट हुआ है ये गाना, आजकल सब यही सुन रहे हैं। आप अभी फोन कीजिए उसे, बहुत खुश होगी वो, आप बिना मिले वापस आए थे ना उसे। कैसी हो नेहा? जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी नहीं दिया, तुम्हारे लिए लेकर आया था ये। स्मिता जी और डैडी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके बहुत अच्छा किया, हम ना प्रॉपर्टी बेच के मुंबई जाके अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे, या फिर डैडी के साथ रहना है तो वहां पे भी जा सकते हैं हम, डैडी कितने खुश होंगे। भाभी बता रही थी तुम बहुत परेशान रहती हो, यहां पे बिल्कुल नहीं रहेंगे बस। देखो विजय, तुम्हारे कुछ एहसान है मुझ पर जो तुमने मुंबई में किए थे, और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता बल्कि तरस आता है,
तुम्हारी ये सब फालतू की कोशिशें देखकर, लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरों की बात तो बहुत दूर, मुझे खुद से चिढ़ होने लगी है। डैड, आप अभी के अभी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम से हटा दीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा? नहीं डैड, आप मेरी बात सुनिए, आप हमेशा अपनी कहते रहते हैं ना, मेरी कभी भी नहीं सुनते हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। I cannot handle anything, Dad. I cannot. पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फोन कट दिया? कट कर दिया? और तुम? ना तो तुम मुझे अच्छा लगते हो, ना तुम मुझे बुरा लगते हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व है ही नहीं। Go out! निकलो यहाँ से। निकलो। Go out! मेरे घर से मुझे निकालेगी? बाप बेटी मिलके मुझे चूतिया बना दिया। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है। रह क्यों नहीं है मेरे घर पे? रह क्यों नहीं है मेरे घर पे? अच्छा, इसकी कमी थी तेरी बाप की सारे। नहीं, नहीं। बोल बड़े। विजय, इस गन से क्या बात कर रहा तू? मेरी जिंदगी खराब कर दिया तू। विजय, नेहा को नहीं मारना। पापा मार रहा है। मार रहा है वो? चलो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे, मारो मत उसे। मेरी बेइज्जती करके गया था तू। हम नीचे। बेटा, सलाम, तुझे बेटा याद आया? हाँ, मेरी शक्ल तक नहीं देखी थी तुझे। विजय, मैं तुम्हारा हाथ छूटता हूँ। बेटा मत बोल मुझे। हड़वे कंचे, विजय दरवाजा खोलो। तेरी बेटी के कारनामे सुन साले। विजय, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। विजय दरवाजा को। एक नंबर की धंधे वाली थी तेरी बेटी। ऐसे मत बोलो। रोज नए नए चाहिए थे इसको, सुन रहा ना तू? किसी के साथ छोटी थी, किसी के साथ उठती थी। क्या खाकर पैदा किया था मैं इसको? विजय, उन्हें कुछ मत बोलो, वो मर जाएंगे। विजय, अब मुझे याद आया, तू ना ये सब प्रॉपर्टी धंधा करके बनाया था ना तू? अपनी बड़ी बेटी से भी धंधा करवाता हूँ, इसीलिए उसको अलग रखा है ना। और हम नीचे साले। हम नीचे? अब बता कौन नीचे? सुन सुन, तेरा बाप रो रहा है, अब बोल रहा है बेटा। साले आवाज नीचे। अबे क्या है तेरी बेटी की औकात? मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अरे चुप, लाउड स्पीकर पे डालता हूँ, साले बात कर बेटी से। सुन सुन सुन, उसकी तरफ सुन, रोना सुन, ये ले सर। अब आया समझ में खुलती? अब आया बात बेटी दोनों मिलके मेरी बेइज्जती करती? सबके साथ पड़ी थी वहां पे नशे में चूर होके, अफीम चरस सब पी थी, बिना पिए इसकी आंख नहीं खुलती थी, पता है? मेरा अस्तित्व मां मां मां